में ब्राजील की संसद के निचले सदन में बजट में हेराफेरी को लेकर राष्ट्रपति डिल्फा राउसेफ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर कल 3 दिवसीय चर्चा शुरू हो गई। इससे पहले राष्ट्रपति ने संसद की सुनवाई पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतिम क्षण में गुहार लगाई, किंतु कोर्ट के जजों ने 2 के विरुद्ध 8 के बहुमत से उनकी याचिका खारिज कर दी।